राजस्थान जिला झुंझुनू तहसील उदयपुर वाटी के अंतर्गत ग्राम भोड़की में किसान रामेश्वर लाल अपने खेत में पशुओं के लिए चारा खोद रहा था और ठीक उसी दौरान 11,000 लाइन का तार टूटकर किसान के शरीर पर गिर गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक घटना बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि लोगों ने पूर्व में ही सूचना दे दी थी कि तार पहले दूसरे पोल का टूटा था और दूसरा भी टूटने वाला हो रहा है, जो कि टूट ही गया। अब सभी क्षेत्रवासी राज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ागोड़जी के पास इकट्ठे हुए हैं कि रामेश्वर लाल को न्याय दिलाने के लिए 25 लाख रुपए दिया जाए और रामेश्वर लाल का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए, एक आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए तथा विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। साथ ही साथ ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्युत विभाग के कर्मचारी व अधिकारी समस्या का समय पर समाधान नहीं करते हैं और लूट खसोट में लगे रहते हैं, इसीलिए तमाम मांगे नहीं मानी जाने तक किसान का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा और संवैधानिक तरीके से मांग रखी है। इसके लिए संपूर्ण जिला पूरी मदद करने के लिए तैयार है कि मृतक किसान को न्याय मिले और आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोबारा ना हो, इसलिए क्षेत्र के लोग धरने पर बैठे हैं। मां साहब विश्वास रखूंगा कि इसी तरह मृतक को मुआवजा दिलवाने के लिए अपन लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पे डटे रहेंगे और जब तक अपने प्रशासन मांग नहीं मानता है तब तक अपन लोग ये संघर्ष करते रहेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।